बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डायरेक्टरीज के बारे में सीखेंगे कि जब भी हमने डाटा एंट्री का प्रोजेक्ट फाइंड करना होता है, किसी बिजनेस या कंपनी का डाटा फाइंड करना होता है, तो हम उसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो डाटा फाइंड करना है ये किस बिजनेस कैटेगरी में लाई कर रहा है, ये किस बिजनेस कैटेगरी में लाई कर रहा है, और हमने किस डायरेक्टरी से जाके फाइंड करना है, और कहाँ से मुझे ये डाटा ईजिली मिल जाएगा, और अब मैंने कैसे फाइंड करना है। ये सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट को फाइंड करने के लिए, किसी भी कंपनीज का डाटा फाइंड करने के लिए। जब ये चीज़ फ्रीलांसर को क्लियर हो जाए, वो समझ जाए, तो देन वो इजीली डाटा फाइंड कर सकता है। जैसे कि आप बाखूबी आगाह हैं कि हर बिजनेस किसी ना किसी कैटेगरी में लाया कर रहा होता है, और उस कैटेगरी में सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मार्केटिंग है, मेडिकल फील्ड है, फूड है, इन्वेस्टर है, लोकल बिजनेसेस हैं एंड लार्ज बिजनेसेस हैं। ये तमाम वो बिजनेस टाइटल्स हैं जिसमें काफ़ी सारी सब कैटेगरीज होती हैं। हमारे पास कुछ ऐसी डायरेक्टरीज हैं जहाँ से हम सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस टाइटल के रिलेटेड ही हम उससे डाटा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस के रिलेटेड एक डायरेक्टरी हो तो वहाँ से डाटा फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है और इजीली डाटा मिल जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे फूड के रिलेटेड डाटा चाहिए। फूड एक बिजनेस कैटेगरी है, इसमें काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं। अगर मुझे फूड के रिलेटेड डाटा चाहिए तो मैंने इसके लिए एक डायरेक्टरी है येल्प, तो हम येल्प डायरेक्टरी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे इन्वेस्टर्स का डाटा चाहिए तो मैं उसके लिए ट्रू पीपल का इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे स्मॉल बिजनेस का डाटा चाहिए, स्मॉल बिजनेस में काफ़ी सारे बिजनेस इसमें शामिल हो जाते हैं। ये बताऊंगा मैंने इंशाल्लाह कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में लाई कर। इसके अलावा लार्ज बिजनेस का डाटा, वो हमने ट्रिपल वी से फाइंड करना होता है। इस तरह काफ़ी सारे डायरेक्टरीज हैं, इंशाल्लाह चंद नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें वन बाई वन करके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सब आपको बताऊँगा कौन कौन से बिजनेस किस किस कैटेगरी में लाई करते हैं, और कौन सा बिजनेस का टाइटल, कौन से बिजनेस का प्रोजेक्ट हमने करना, तो हमें किस डायरेक्टरी से जाके फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। आज हम इस वीडियो में स्मॉल बिजनेस का डाटा फाइंड करने के लिए मानता डायरेक्टरी का इस्तेमाल करेंगे कि हम किस तरह मानता डायरेक्टरी से स्मॉल बिजनेस का डाटा फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बिजनेस टाइटल्स हैं जो स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में लाए कर। प्रीवियस 6 वीडियोज में हमने सीखा है कि हम किस तरह लिंक्डइन से बिजनेस एम्प्लॉयज को टारगेट कर सकते हैं, किस तरह हम बिजनेस एम्प्लॉयज का डाटा फाइंड कर सकते हैं लिंक्डइन से, सर्च किस तरह करते हैं, लोकेशन को कैसे टारगेट करते हैं, कंपनी को कैसे टारगेट करते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हमने प्रीवियस 6 लेक्चर में डिस्कस की हैं कि किस तरह हम एम्प्लॉयज़ का डाटा फाइंड कर सकते हैं। खास तौर पर उनकी ईमेल फाइंड करने के लिए हमने काफ़ी सारे डिफरेंट टूल का इस्तेमाल करना सीखा है कि हम किस तरह डिफरेंट टूल को इस्तेमाल करके उस एम्प्लॉयज़ की वेरीफाइड एंड एक्यूरेट ईमेल फाइंड कर सकते हैं। एक्यूरेट एंड वेरीफाइड ईमेल भी फाइंड कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आया कि ईमेल एक्यूरेट है या नहीं। अगर हमें एक एक्सटेंशन को इस्तेमाल करके किसी एम्प्लॉय की ईमेल नहीं मिली, तो हम किस तरह दूसरे टूल को इस्तेमाल करके उसकी ईमेल फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री सीखकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए प्रीवियस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चले हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी बिजनेस हैं स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में लाई कर रहे होते हैं, उन तमाम का डाटा हम मानता डायरेक्टरी से फाइंड करते हैं। इसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, आपने सर्च बार में आके लिखना है मानता, मानता लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस कर लेना। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, ये फर्स्ट टैब हमारे पास आ गया मानता के नाम से, द प्लेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, हमने यहां पे क्लिक करना है। ये हमारे पास मानता डायरेक्टरी ओपन होकर आ गई है। इस तरह का लेआउट होगा मानता डायरेक्टरी का। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनका डाटा हम मानता डायरेक्टरी से फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में लाए करते हैं। सबसे पहले आपने मानता वेबसाइट पर आने के बाद आप नीचे स्क्रोल डाउन करना है। इसे स्क्रोल डाउन जैसे ही करेंगे, नीचे देख सकते हैं US कंपनीज बाय कैटेगरी। ये तमाम वो कैटेगरीज हैं, बिजनेस टाइटल्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं कि इनके रिलेटेड आपको इस डायरेक्टरी से डाटा इजीली मिल जाएगा। इन तमाम टाइटल्स के रिलेटेड आपको डाटा, इनमें से कोई भी टाइटल है, इनमें से किसी भी टाइटल के रिलेटेड अगर आपको डाटा चाहिए, आप डाटा फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इस डायरेक्टरी से इजीली आके फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर बिजनेस सर्विसेज में ये तमाम वो टाइटल्स हैं, इनके रिलेटेड आप डाटा फाइंड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल्स है, ये तमाम वो टाइटल यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है। इसके बाद ये देख सकते हैं कस्टमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, फूड बेवरेजेज में, हेल्थ के रिलेटेड है, टेक कम्युनिकेशन है, तमाम वो बिजनेस टाइटल्स यहाँ पे उन्होंने
ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि इनके रिलेटेड अगर आपको डाटा चाहिए तो आप इजीली इस डायरेक्टरी से फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कि स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में लाए करते हैं, जिसका डाटा हमें मानता से इजीली मिल सकता है। अगर इनमें से आपने किसी भी बिजनेस स्टार्टर का डाटा फाइंड करना हो तो आप बिना सोचे समझे आप मानता डायरेक्टरी भी आगे डाटा फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डाटा कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपने यहाँ से लोकेशन को टारगेट करना है। मैं लोकेशन यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, बुफैलो एक स्टेट है। जो भी टाइटल, जितने भी टाइटल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इनमें से कोई भी टाइटल आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जिसका आपको डाटा रिक्वायर हो। साल के तौर पर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स का डाटा फाइंड करता हूँ। पहले आपने लोकेशन को टारगेट करना है, उसके बाद आपने वो कैटेगरी लिखनी है, वो बिजनेस टाइटल लिखना है जिसका आपने डाटा फाइंड करना हो। ये देख सकते हैं हमारे पास 35 पेजेस हैं और 4704 रिजल्ट हमारे पास शो हुए हैं। इसके नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ये देखिए। ये पहले फर्स्ट पेज स्क्रैप करना है, फर्स्ट पेज स्क्रैप कर डाटा कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2, 3, 4 नेक्स्ट करते जाना है इस तरह। अब हम देखते हैं कि इससे डाटा फाइंड कैसे कर सकते हैं। ये तो वो बिजनेस आ गए, ये फर्स्ट 2 ऐड है, आपने स्किप कर देना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे ये कंपनी का नेम है, ये वाला कंपनी का नेम है, ये मानता रेटिंग है, जैसे गूगल रेटिंग होती है, गूगल रिव्यूज होते हैं, ये मानता रिव्यूज हैं। इसके बाद ये इस बिजनेस का एड्रेस दिया गया है, इसके बाद ये बिजनेस का फोन नंबर है और ये बिजनेस की वेबसाइट है। यहाँ पे आपने इस लिंक को न्यू टैब में ओपन कर लेना है। पॉसिबल है शायद ये मानता डायरेक्टली किसी के पास इशू करे, एक्सेस ना हो रही हो, तो वो इसके लिए किसी वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ्री वीपीएन है जिसमें विंडस्क्राइब है, प्रोटन है, स्मार्ट प्रोक्सी है, पुशपॉन 3 है, काफ़ी सारे वीपीएन है। आप उनमें से किसी को एक इंस्टॉल करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास तो एक्सेस हो रही है, पॉसिबल है किसी के पास एक्सेस ना हो। अब ये देख सकते हैं ये कंपनी का फ़ोन नंबर है, अपने यहाँ से कंपनी का फ़ोन नंबर कॉपी करना है, ये वेबसाइट का लिंक है ये कॉपी करना है, ये वेबसाइट का नेम है ये कॉपी करना है, नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये बिजनेस की ईमेल दी गई है, ये बिजनेस की ईमेल है, आपने ये बिजनेस की ईमेल कॉपी करनी है, ये फ़ोन नंबर हो गया, ये बिजनेस की ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सोशल मीडिया के लिंक्स, कंपनी का नेम और कंपनी का लिंक, ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो बिजनेस के रिलेटेड हमें चाहिए होती हैं। ये तमाम आप यहाँ से आके ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये तो आपको इजीली यहाँ से तो आप इजीली डेटा फाइंड करते हैं। कंपनी का नेम हो गया, ये मानता रेटिंग है, ये बिजनेस एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ये वेबसाइट है। हम इसका डेटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमें ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे ले जाएगा। ये हमारे पास बिजनेस की वेबसाइट ओपन होगी। आपने यहाँ से विदाउट हेजिटेशन यहाँ से आपने ये फ़ोन नंबर कॉपी करना है, इसके बाद ये बिजनेस ईमेल है, इसके बाद ये कंपनी का नेम है, ये सोशल मीडिया के लिंक्स अवेलेबल हैं। इसके बाद हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें बिजनेस ईमेल चाहिए होती है, मेन सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्यूरेट एंड वेरीफाइड होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स ने इन ईमेल के जरिए उनसे कॉन्टैक्ट करना। यहाँ से ईमेल कॉपी करनी है, फ़ोन नंबर है, कंपनी नेम है, कंपनी लिंक है, कंपनी नाम है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ईजिली स्क्रैप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ये 1966 ये कंपनी का नेम है, हम इसका डाटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये वेबसाइट का लिंक है, ये हमें ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। ये लिखा हुआ यू विल बी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्टेड टू वेबसाइट्स। ये देखिए हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ये कंपनी का फ़ोन नंबर दिया गया है, कंपनी का नेम हो गया, कंपनी का लिंक हो गया। हम इसकी ईमेल फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक और ट्विटर का, लेकिन इसकी ईमेल यहाँ पे हमें नहीं मिली। काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ से हमें इजीली उनकी ईमेल मिल जाती है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन की होती है, लेकिन अगर हमें किसी वेबसाइट से ईमेल ना मिले तो हम उसके लिए एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं।
अगर हमें किसी भी वेबसाइट से किसी की ईमेल ना मिले तो हम उसके लिए एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जिस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करके हम इजीली उस वेबसाइट से उसकी ईमेल फाइंड कर सकते हैं, एक्यूरेट एंड वेरीफाइड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह।